ट्रिपल तलाक, यानी कि एक व्यक्ति तलाक 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 तीन बार तलाक बोल के किसी भी महिला को तुरंत तलाक दे सकता है, और इससे महिलाओं के निजी जीवन, पारिवारिक जीवन सब पे बहुत असर पड़ता है। पता है कि जेंट्स कह देंगे तलाक 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 तो उनका डिवोर्स हो जाएगा, इसी वजह से वो डरी बैठी रहती है, सहमी रहती हैं कि सबके सामने अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ें और अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाएं। जो उनके जीवन में इससे परेशानियाँ आती थी, क्योंकि तीन तलाक के बाद हलाला जैसी उनको इस कुप्रथा से जाकर होकर गुजरना पड़ता था। संसद में ये पारित नहीं हो पाया, पक्ष के कारण ये पारित नहीं हो पाया। अध्यादेश लाकर ये उन महिलाओं के साथ न्याय करने का एक छोटा सा प्रयास है सरकार का। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए एक आत्मसम्मान की बात हो गई। लेकिन अब जब अपराध की श्रेणी में इसे काउंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खौफ होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर होगा। लेकिन राज्यसभा में अभी तो अटका पड़ा है, देखिए इंशाल्लाह ये भी आगे कुछ होने वाला है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लाख लाख बधाई देता हूँ, औरतों की हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, उन्होंने ये अध्यादेश पारित करके बता भी दिया। एक तरीके से एक नया उजाला, एक नई आज़ादी महिलाओं के जीवन में इससे आ जाएगी। अगर हम 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं और वहाँ इस तरह के कुप्रथा अभी भी विद्यमान है, मैं समझता हूँ 21वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।